मजदूरी को लेकर शासन का कड़ा रुख होने के बाद भी बाल मजदूरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं आज मनावर विधानसभा के ग्राम सिंघाना पंचायत में मां हरसिद्धि गौशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें बाल मजदूर खाना बनाते, बर्तन साफ करते तो रोजगारी करते नजर आए। गौशाला का शुभारंभ स्थानीय विधायक डॉक्टर हीरा लाल अलावा धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट व पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक धार कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सिंह मौजूद रहे, जिसमें केटरिंग के रूप में बाल मजदूर काम करते नजर आए, लेकिन इन बाल मजदूरों की और अधिकारियों का ध्यान ही नहीं गया। ऐसे में बाल मजदूरी पर कैसे रोक लगेगी? जानकारी अनुसार कुछ दिनों पूर्व मनावर व सिंघाना में बाल मजदूरी पर जा रहे पिकअप वाहनों को पकड़कर करीब 138 बाल मजदूरों को छुड़ाया गया। अब चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला बाल संरक्षण व बाल श्रमिक विभाग की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या उन्हें कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी या खुद के निर्णय से इस खबर के बाद इस कार्यक्रम में जिन्होंने बाल मजदूर भेजे उन पर कार्रवाई होती भी है या नहीं, जिन्होंने उन्हें बुलाया उस पंचायत के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। देखिए मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की एक खास रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।